जस्सी जैसी कोई नहीं। सो जस्सी, कब तक तैयार हो जाएगा? क्या कब तक तैयार हो जाएगा सर? अभी दो मिनट पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, ध्यान कहा था तुम्हारा? जस्सी, तुम्हारे चेयरमैन ने यह कहा है कि तुम कुछ ऐसा कमाल करो कि बोर्ड मीटिंग में सबको ऐसे लगे कि हमने जो सेल्स फिगर्स उनके सामने रखे थे वो सारे के सारे अचीव हो गए। लेकिन सर, वो टारगेट तो हमने पूरे किए ही नहीं है। एक मिनट, प्रेम से? प्रेम से व्हाट? अरे यार, सर ये देखिए, इस सीजन के हमारे प्रोजेक्टेड सेल्स 8 करोड़ थे, जिसे हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में पूरा करने का वादा किया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये सेल फिगर्स सिर्फ 5 करोड़ हैं, और ये बात मैंने आपको बताई थी। एग्जैक्टली, ये फिगर्स तुमने मुझे दिखाए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये फिगर्स हमें बोर्ड के सामने नहीं दिखाने, तुम फिगर्स चेंज करो, मैनेज करो। एडजस्ट, करो, लेकिन जल्दी करो। सर, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। देखो, तुम चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, कभी भी कर सकती हो, और तुम करोगी। लेकिन सर, रिपोर्ट ऐसे नहीं बनाई जाती। रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार नहीं करते हैं, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। आई जस्ट वांट माय वर्क डन। तुम्हारे पास टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है, लेकिन एक चीज जो नहीं, वो है टाइम। रानी अफ झांसी, तुम ये कर सकती हो, जाओ जाओ। Yes, yes, yes. जैसे तुझे करना क्या है? बस थोड़े से सेल्स फिगर्स चेंज करने, चेंज करने, एडजस्ट करना। नहीं 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 नहीं, तू झूठ नहीं बोल सकती, जैसे कोई गलत काम नहीं कर सकती। नहीं, हाय रब्बा, मेरा पेट, हाय रब्बा, मेरा पेट, हाय रब्बा। आर्यन, जब किसी के रूम में एंटर करते हैं तो नॉक करते हैं। नॉक नॉक। सॉरी, अगली बार याद रखूंगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि अगली बार। एनीवेज, इस वक्त मैं बाहर जा रही हूँ, सो। ये तो ऑब्वियस है कि तुम बाहर जा रही हो, मगर ऐसे क्यों? ऐसे का क्या मतलब? ऐसे मतलब ऐसे इन भारतीय नारी कपड़ों में। अंकल आंटी को मिलने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? एक्चुअली मैं उन्हीं को फेच करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। वो लोग दिवाली के लिए वापस आ रहे हैं। हर साल की तरह अंकल इस साल भी पूजा करेंगे। अरमान होगा, मैं होंगी। It'll be very beautiful. मेरी बेचारी बहना, तुम actually believe करती हो कि ये सब करने से अरमान एक दिन तुमसे शादी करेगा? करेगा। मैं ये सब करूं ना करूं, लेकिन अरमान मुझसे एक दिन शादी जरूर करेगा। वैसे भी मैं वहां सिर्फ होने वाली बहू की हैसियत से नहीं जा रही हूँ। अच्छा? आर्यन, तुम जानते हो मैं गुलमोहर हाउस में बराबर की पार्टनर भी हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि अंकल आंटी को वो सारी बातें बता दूं जो यहां हो रही हैं, इसके पहले कि कोई और उन्हें कुछ गलत बातें बताए। That's interesting. तो एक काम करो मलिका, मिस्टर और मिसेस सूरी को इस मिस्टर कोई और के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी बता दो। क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? ओह कम ऑन नाउ, बनो मत। अरमान ने सारे बोर्ड के सामने जो सेल्स फिगर्स अचीव करने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया है। हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नंबर वन नहीं है। तो ये मलिका, अगर मेरे हाथ इस सीजन के सेल्स फिगर्स लग गए तो मैं अरमान की धज्जियां उड़ा दूंगा बोर्ड मीटिंग में। आई विल क्रश। रिलैक्स आर्यन, अरमान और मेरे चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमारे बीच है। मैं फिर भी अरमान से बहुत प्यार करती हूँ। मगर मैं नहीं करता। मलिका, तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज प्लीज वो सेल्स फिगर्स मेरे लिए ला दो। अच्छा, तो अब स्ट्रॉन्ग बड़े भैया को बेचारी बहन की मदद की जरूरत है। I'm sorry, आर्यन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम इतनी डेस्परेटली उन सेल्स फिगर्स को पाना चाहते हो, एक तरीका जरूर है। क्या? बताओ मुझे।
तुम यहां से सीधे अरमान के पास जाओ और वहां जाकर उसे कहना, अरमान मैं इस सीजन के सेल्स फिगर्स देखना चाहता हूं। कम ऑन भैया, बी अ मैन। गुड बाय। तो तुम्हें सेल्स फिगर्स देखने हैं। यस यू आर राइट, सेल्स फिगर्स देखने हैं मुझे। सेल्स फिगर्स देखने हैं, लेकिन क्यों देखने हैं? एग्जैक्टली क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि पिछली बोर्ड मीटिंग में किसी ने सीना ठोक के बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, देखें तो सही कौन से झंडे गाड़े हैं उसने। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम होते कौन? जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो अरमान, उस कुर्सी का सही हकदार हूं मैं। वो हूं जो तुमसे हर चीज में बेहतर है, बस तुम जितना लकी नहीं। आर्यन, अब तो मुझे वाकई इरिटेट कर रहे हो। किसके नाम? सेल्स फिगर्स अरमान। हे गाइस, रिलैक्स। आर्यन, हम कोई और फिगर्स के बारे में बात नहीं कर सकते? देखो आर्यन, सेल्स रिपोर्ट तैयार हो रही है और जैसे तैयार हो जाएगी बोर्ड के सामने बकायदा पेश की जाएगी। राइट अरमान? राइट। और जब तुम उन्हें देखोगे ना, तो तुम इस कुर्सी के अरमान भूल जाओगे मिस्टर आर्यन। एक बार हमारी रिपोर्ट से तैयार होने दो। सर, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मुझे नहीं हो सकता। नहीं। क्या नहीं हो सकता? सर, वो आर्यन, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारा वक्त जरा कीमती। यस ऑफ कोर्स, तुम्हारा वक्त वाकई कीमती है। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ 48 घंटे जो बाकी हैं। जस्सी, तुम क्या बकवास करेगी? सर, मैं ये कह रही थी कि मैं रिपोर्ट नहीं चेंज कर सकती। क्यों? वो मेरे पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या? पेट खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बचपन से ही प्रॉब्लम है मुझे सर। जब भी कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो मेरे पेट से एक अजीब सी आवाज़ उठती है और फिर मेरे दिल में एंटर करती है और वो आवाज़ मुझे कहती है कि जैसे तुम गलत काम कर रही हो, ये गलत है। और सर, मुझे कुछ भी गलत काम नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ सर। और फिर ये रिपोर्ट को चेंज करना तो शट अप जैसी। अरमान इजी। शट अप राज। अरमान इजी। अब तो मेरी बात सुनो जैसी, अपने पेट और दिल से कहो कि मेरे दिमाग की आवाज सुने, तुम्हें जो काम करने को दिया गया है उसे पूरा करो, समझे तुम? सर, मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि झूठ झूठ है और गलत गलत है, बस। बहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या बात? सर, मैं झूठी रिपोर्ट नहीं तैयार करूंगी। जैसी। अरमान, अरमान देखो जैसी, ना तो हम किसी का खून कर रहे हैं, ना हम कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ सर, और मेरी राय में ये। हेलो, आपकी राय नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तुम रिपोर्ट चेंज कर रही हो या नहीं? टेल मी। नहीं सर। ओके, तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरी असिस्टेंट होने का और गुलमोहर में काम करने का कोई हक नहीं है। कल सुबह तक रिपोर्ट मेरी टेबल पे पहुंच जानी चाहिए, तुम जा सकती हो। यस सर। अरमान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी पर्सनैलिटी के सामने अरमान क्या है? कुछ नहीं सर, आप उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उससे स्मार्ट। गुलाठी। यस सर। मैं गुलमोहर के सेल्स फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सेल्स फिगर्स को लेकर अरमान कॉन्फिडेंट लग रहा था। अच्छा वो सर, आई एम सॉरी, लेकिन सर अरमान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल झूठा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेल्स टारगेट पूरे नहीं हुए सर। और आपके इस यकीन का कोई सबूत? वेल सर, अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमें सेल्स की असली फिगर्स मिल जाएगी। कैसे? सर, अरमान के कैंप में हमारा एक जासूस है जो हमें सारी फिगर्स लाकर देगा। कौन? गुलाटी? परी सर, वो लाकर देगी हमें सारी फिगर्स। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू गुलाटी? परी को अपने फिगर्स से फुर्सत मिले तो वो सेल्स फिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। अगर कोई है जो हमें सेल्स फिगर्स दिला सकती है तो वो सिर्फ जैसी है। जैसी? सर, वो तो अरमान से बंधी हुई है सर, उसकी हर बात को सर आंखों पर रखती है। नहीं गुलाठी, बात अब सर और आंखों से काफी आगे बढ़ चुकी है।
आई डोंट नो, कुछ कुछ और चल रहा था उन दोनों के बीच में। अरमान ने उसे कुछ करने के लिए कहा था जिसे करने से जस्सी ने मना कर दिया। आई वंडर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? वेल सर, शायद परी बता सकती है कि मामला क्या है। परी, जैसी बिना पता चले आई? मैं रोज ऐसे ही जाती हूँ सर। लेकिन रोज हम लोग लड़ाई तो नहीं करते ना? चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। नो सर, थैंक यू, मेरी बस आती ही होगी। मैं यहीं पास इंदिरा नगर में रहती हूँ। ओह, इसका मतलब मेरे साथ नहीं जाना चाहती? नाराज हो मुझसे? नो सर, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? चलो Come on, let's go. जैसी, मैं तुम्हें एक काबिल, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग असिस्टेंट समझता था। और अब सर? और अब मैं तुम्हें एक सॉलिड लड़की मानता हूँ जो वाकई अपने वैल्यूज में बिलीव करती है। क्या हुआ? सर, मेरी नाक। तुम्हारे नाक भी तुमसे बात करती है? सर, वो जब तारीफ और एसी दोनों साथ में होना तो सर्दी हो जाती है। मैं एसी तो बंद कर सकता हूँ लेकिन तारीफ नाना, जैसे आई एम रियली सॉरी है, तुम्हें रिपोर्ट बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक ही तो कहती थी, जो चीज गलत है वो गलत है। और हाँ, वो ऑफिस से निकल जाने वाली बात बिल्कुल भूल जाना। फ्रेश मैन के साथ ऑफिस आओ, हम दोनों नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और आज के बाद नो झूठ नो गलत बात, हो गया जैसी? ओके ओके। जैसी, जैसी। हाँ नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जी ने कार दी थी सर्विसिंग के लिए, इसको लेके घर जा रहा था। रास्ते में देखा तू बस स्टॉप को बेडरूम बना के सो रही थी। जैसी जोक था और इतना बुरा भी नहीं था। नंदू, जैसी तू रो क्यों रही है? एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है नंदू। गुलमोहर की महाभारत की कॉमेडी जानते हो क्या है? तुम बताओ। लड़ाई खत्म हो जाएगी लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौरवों की तरफ कौन था और पांडवों की तरफ कौन था। जो भी हो, मैं राम हूं बस। तो तुम महाभारत में राम, दिवाली में होली खेलेंगे। पूरी रामायण सुना दी मैंने और तुम 5 मिनट से ये दूध पिए जा रहे हो, और वो भी इतनी इरिटेटिंग आवाज में। जैसे मैं इतनी देर से सोच रहा था, अब बोलूंगा। पहले ना तुम ये मूछें मुंडवा लो। जैसे मेरी राय में तुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद कभी भी किसी भी दफ्तर में नौकरी कभी मत करना। नंदू सीरियसली, जैसे तू किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जा, कार सेवा कर, पूजा पाठ, बुराइयों से बिल्कुल दूर, एकदम प्योर, इस दूध की तरह एकदम सफेद। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? जस्सी तू अपना मजाक उड़ाने में खुद लगी हुई है, प्रॉब्लम तो तेरी है ही नहीं, तो फिर सही और गलत का सवाल कहां से आ गया? देख, कंपनी अरमान सूरी की, पैसे उसके, प्रोडक्ट उसका, बोर्ड की मीटिंग भी उसकी, अब उसकी सेल्स फिगर्स में जरा सी टेक्निकल चेंजेस करने हैं तो कौन सा माँ बाप हो गया? सवाल पाप बाप का नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और ये टेक्निकल हो या जो भी। बढ़िया, बच्चा लोग घर को जाओ, खेल खत्म, तमाशा फिनिश, दूध है गरम, कल फिर नहीं मिलेंगे हम। जस्सी जमुरी सन्यास ले रही है, बच्चा लोग बजाओ ताली, घर को जाओ, सो जाओ। ठीक है, तुम भी घर जाओ। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कह के जाऊंगा जस्सी,
अगर मैं उस अरमान सूरी की जगह होता ना तो तुझे यूं लात मार के ऑफिस से निकालता, तो गुलमोहर के ऑफिस से निकलती दिवाली के रॉकेट के तरह और गिरती इंद्रनगर में। और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो मैं जस्सी से कहती, जस्सी तुम जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो, अरमान सूरी को जो भी करना है करने दो, लेकिन तुम कभी गलत मत होना। और अगर मैं तेरी जगह होता तो उस दिन को याद कर लेता जब तुझे पहली तनख्वाह मिली थी। और याद है बिल्लू बलवंत अंकल ने क्या कहा था? इस बात की बहुत खुशी है कि तू कमाती है। मैं इतने सालों काम करने के बाद भी इस घर को वो सब कुछ नहीं दे पाया, लेकिन वो सब कुछ तुझे आज करना पड़ रहा है। नंदू एक और बात है जो पापा जी हमें बचपन से बताते आए हैं। आईने में जब भी देखो तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हें अपनी नजरें शर्म से झुकानी ना पड़े। दुनिया का कितना भी खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, शर्म से झुका हुआ चेहरा बड़ा बदसूरत होता है। लगता है तुम भूल गए। गुड नाइट। गुड नाइट। आर्यन मैं जैसी भी हूं तुम जैसे बदतमीज आदमी के साथ अपनी जुबान नहीं लड़ाना चाहती, सो प्लीज लीव सर। तुमने मेरी बदतमीजी अब तक देखी कहीं परी बेबी? अपने पर्स समेटो और जमीन पे आ जाओ। जस्सी से कितना नफरत करती हो तुम? पूछूं या? वो तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। चलो अच्छा है बच गई बेचारी, लेकिन अगर तुम अपने आप को उसकी जगह देखती हो तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी पको। अरमान और जस्सी के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरमान और जस्सी के बीच में कुछ हुआ है? कुछ बुरा हुआ है? अरे प्लीज बताओ ना। वैसे भी मैं तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेकर आया था, सोचा था अकल तो है नहीं, शायद कानों और आंख का इस्तेमाल करती हो, मगर वो भी नहीं। यार होपलेस केस पर है, व्हाट डू आई डू विद यू? देख जस्सी, जब तू बचपन से अपने पेट की आवाज सुनती आ रही है तो अब कैसे परेशानी? पता नहीं बेबी, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। अरे तो फिर मत सोच, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। इधर आ लेट, मैं तेरा सर दबा दूँ। आ लेट जा, आ बच्चे। हाय रब्बा, अरे तेरा बदन तो बुखार से जल रहा है, इतना तेज बुखार है और तूने मुझे बताया नहीं। अरे क्या कर रही है तू जस्सी? अरमान सर बहुत गुस्से में थे, क्या करूं, हाँ बोलूं ना बोलूं, कि नौकरी तो जाएगी। दफ्तर की बातें बंद, एकदम बंद। चल उठ, तेरे कमरे में चलते। उठ बेटा, उठ उठ। इतनी अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप देख, एक ना एक दिन ये सब किए बिना, झूठ बोले बिना मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी। आप ही कहती है ना कि सबसे बड़ा सबसे मजबूत सच होता है। हाँ जस्सी, जस्सी बेटे, जस्सी, जस्सी बेटा।